नगरीय निकाय के दूसरे चरण के मतदान में मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से जिले मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी को 9 नगर परिषदों में से 6 पर स्पष्ट बहुमत मिला है। वहीं एक नगर परिषद पर कांग्रेस कब्जा जमाने में सफल हो पाई है, जबकि 2 नगर परिषदों की स्थिति अभी साफ नहीं है, क्योंकि यहां जीते निर्दलियों ने दोनों पार्टियों का समीकरण बिगाड़ दिया है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी मालवा में खाता खोल दिया है। नीमच और रतलाम से उनके एक एक उम्मीदवार पार्षद का चुनाव जीत गए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी का वोट बैंक बढ़ने के भी आसार हैं। मंदसौर में 1 नगर पालिका और 10 नगर परिषद हैं। यहाँ की 1 नगर पालिका और 6 नगर परिषदों में से इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, जबकि 1 नगर परिषद कांग्रेस के खाते में गई है। लेकिन पहले की स्थिति के अनुसार मंदसौर जिले की सभी नगर परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। इसी चुनाव में नई नगर परिषद बनी भैसुदा मंडी को छोड़ दे दो भी भारतीय जनता पार्टी के पास जिले में 9 नगर परिषद और 1 नगर पालिका थी। लेकिन इस बार भानपुर परिषद बीजेपी के हाथ से निकलकर कांग्रेस के हाथ में चली गई है, जबकि शामगढ़ और भैसुदा मंडी में जीते दो दो निर्दलियों ने दोनों पार्टियों की अध्यक्ष की राह मुश्किल कर दी है। पहले और दूसरे चरण की मतगणना में रतलाम जिले की नगर परिषदों से आए हुए नतीजे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए नुकसानदायी है। यहाँ की जावरा नगर पालिका और अलौट नगर परिषद को छोड़ दे तो बाकी सभी नगर परिषदों पर ज्यादातर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। पिपलोदा नगर परिषद में तो निर्दलियों के एक गुट ने मिलकर ही 15 में से 8 वार्ड जीते हैं। ऐसे में संभव है कि यहां निर्दलियों का गुट ही अध्यक्ष का दावा पेश कर दे। इसके अलावा बड़ावदा के वार्ड में आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार ने जीत दर्ज कर खाता खोल दिया है। नीमच की 10 नगर परिषदों में से बीजेपी को 8 परिषदों पर स्पष्ट बहुमत मिला है, जबकि 2 नगर परिषदों की स्थिति अभी साफ नहीं हो पाई है। यहां की नया गांव परिषद पर कांग्रेस 15 में से 7 वार्ड जीती है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से अभी एक सीट दूर है। साथ ही रामपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आई है। वहीं पहले नंबर पर मौजूद कांग्रेस भी बहुमत से 2 सीट दूर है। इन सबके बीच आम आदमी पार्टी ने यहां की 18 नगर परिषद में खाता खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भेरूलाल भील ने 18 के वार्ड नंबर 2 से जीत दर्ज की है। आदिवासी बहुल क्षेत्र माने जाने वाले झाबुआ के एकमात्र मेघनगर नगर परिषद पर चुनाव हो रहे थे, जिसके नतीजे भी सामने आ गए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आंकड़े को छू कर नगर परिषद अपने नाम कर लिया है। बीजेपी को यहाँ 15 वार्डों में से 8 वार्डों में जीत हासिल हुई है। वहीं कांग्रेस 6 वार्ड जीत पाई है, जबकि 1 वार्ड निर्दलीय के खाते में गया है।